कहानी ऐसे चार दोस्तों की जिन्होंने पढ़ाई तो की इंजीनियरिंग की लेकिन रोजगार इससे एकदम इतर चुना। क्या है इनकी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पटना का इंजीनियर चायवाला, चार दोस्तों ने छोड़ी अपनी जॉब, 12-12 घंटे काम करके हुए परेशान, एनआईटी के पास खोली चाय की दुकान, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। बिहार में योग्यता से छोटा काम करने वालों के ऊपर ये कटाक्ष आम है, लेकिन अब कहावतों के मायने बदल रहे हैं। जी हाँ, पटना में चार ऐसे युवा हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अच्छी कंपनियों से नौकरी के ऑफर भी आए, लेकिन इन्होंने इससे अलग हटकर चाय बेचने की ठानी। पटना के एनआईटी के गेट के बगल में फुटपाथ पर चाय बेचते संजीत, उज्जवल, राहुल और रोहित आपको दिख जाएंगे। इन युवाओं की चाय की दुकान के चर्चे पूरे शहर में हैं। कई लोग तो इसलिए भी चाय पीने पहुंचते हैं कि इसी बहाने एक बार इन्हें देख लेंगे। इनकी सोच है कि काम अपना हो ताकि किसी को रोजगार भी दे सके। मैंने जॉब किया हुआ है अलग अलग सेक्टर में, मैंने बेंगलोर में जॉब किया है, मैंने भुवनेश्वर में जॉब किया है, मैंने कोलकाता में जॉब किया है, मैं टाटा स्टील सेक्टर में भी जॉब किया था नवा मुंडी करके, और फिर फाइनली मैं पुणे गया हुआ था, वहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैं एज ए प्रोडक्शन हेड काम कर रहा था। पता चला कि ये लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो मैं एक दिन आया और आकर के देखा, इनका मेनू भी देखा, और जब यहाँ मैं चाय पिया, कॉफी पिया, तो टेस्ट काफी अच्छा लगा और जो यहाँ के तुलना में रेट भी अच्छा ही है। इनकी दुकान देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन यहाँ आप 50 तरह की चाय की चुस्की ले सकते हैं। ये अपनी कमाई में से महीने के पहला दिन का पैसा नेशनल डिफेंस फंड में भेजते हैं, जो बताता है कि इनके सोच का दायरा कितना बड़ा है। रोहित बताते हैं कि 12-12 घंटा किसी कंपनी में जॉब करने से अच्छा है कि स्वरोजगार से चाय की दुकान चलाई जाए, थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट कर सके देश के लिए, देश के जवानों के लिए, तो बेहतर होगा। तो हमारा ये एम था कि जो मंथ का फर्स्ट पे है, उसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी अर्निंग है, वो हम लोग डायरेक्ट नेशनल डिफेंस फंड को डोनेट करेंगे। बेकार के टाइम लॉस, 12-12 घंटा का जॉब कर रहा था, तो मैं छोड़ के चला है और सोचा कुछ शुरू करूंगा तो शायद 2-4 साल बाद में ये डेवलप कर पाऊँ और अपने में खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब खुद उसका ऑनर रहूँ किसी चीज का, इसलिए मैं इस चीज का शुरुआत की। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज इंजीनियर युवा यही संदेश दे रहे हैं, कोई भी काम छोटा नहीं, अगर सोच अच्छी है तो सितारे खुद ब खुद बदल जाते हैं।